सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर अभी आपको कोई स्मार्टफोन लेना है 15,000 के प्राइस रेंज में, तो आप देखते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है 15,000 के प्राइस रेंज में, तो आपको ज़्यादा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते, और जो स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैमसंग रख देता है। लेकिन अब से 2019 में शायद आपका ये शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि सैमसंग काफ़ी ज़्यादा R&D करने के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो अब मार्केट को समझ गया है, और वो समझ गया है कि अब वो कैसा भी स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे तो नहीं चलने वाला है। अब उसको वक्त के साथ ही स्मार्टफोन को लॉन्च करने पड़ेगा। तो सबसे पहले आ रहा है सैमसंग का M सीरीज, जो कि सीधे सीधे कंप्लीट करने वाला है चाइनीज़ ब्रांड के साथ, जो कि है बाकी जितने चाइनीज़ ब्रांड है आप जानते ही हैं, तो उनके साथ सैमसंग टक्कर लेने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि सैमसंग की तरफ से भी कोई ऐसा स्मार्टफोन आए जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन सैमसंग कितने सारे स्मार्टफोन इस साल लॉन्च किया, सैमसंग का J6 प्लस, J4 प्लस, सैमसंग का A6, उसके बाद सैमसंग का J8, सैमसंग का A6, A6 प्लस, मतलब इतने ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन उसकी प्राइजिंग को देखते हुए फ़ोन कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं लगता था, क्योंकि आपको 16,000 के प्राइज रेंज में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 425 दे रहे थे सैमसंग, जो कि आजकल आपको 5,000 के प्राइज रेंज में भी देता है तो बोलता है कि भाई हम नहीं लेंगे इस फ़ोन को। तो यहाँ पर सैमसंग बहुत ज़्यादा गलती कर रहा था, लेकिन सैमसंग ने समझा कि भाई हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा, वरना जो आजकल के कंज्यूमर है जो फ़ोन को बाय करते हैं वो आजकल सभी कुछ देख के बाय करते हैं, ना कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट में भी वो दम होना चाहिए जो आप, मतलब तब जाके लोग आपके फ़ोन को बाय करेंगे। तो सैमसंग समझा, उसके बाद सैमसंग अभी ला रहा है सैमसंग के M सीरीज में आपको भी इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा, आप वाटर ड्रॉप नॉच भी इसे कह सकते हैं। तो सैमसंग लॉन्च करने वाला है M सीरीज, जो कि होगा M10, M20, M30, और आएगा सैमसंग का R सीरीज, सैमसंग का P सीरीज। तो सैमसंग 2019 में काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ करने वाला है, और सैमसंग के लिए 2018-2017 उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 2019 काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो लोग सैमसंग को पसंद करते हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन को लेना पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक खुश गुड न्यूज़ हो सकती है कि सैमसंग अब मार्केट को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है। देखते हैं कि सैमसंग का जो स्मार्टफोन आएगा M सीरीज के अंदर वो कितना हद तक चाइनीज़ ब्रांड को टक्कर दे पाएगा, चाइनीज़ ब्रांड के स्मार्टफोन को टक्कर दे पाता है। हालांकि आजकल चाइनीज़ ब्रांड की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन आजकल लॉन्च होते हैं, और जो प्राइस रेंज है ना 15 से लेके 20, या फिर आप कह सकते हैं कि 10 से लेके 20,000 के प्राइस रेंज में, वहाँ पर हर एक कंपनी घुसना चाहती है कि भाई हमको तो इस प्राइस रेंज में फ़ोन लॉन्च करना ही है। 11,000, 12,000, 13,000, हर एक प्राइस में आपको एक अलग अलग तरह का फ़ोन देखने को मिल जाएगा। हालांकि नोकिया काफ़ी अच्छा काम किया नोकिया के 5.1 प्लस और नोकिया के 6.1 प्लस के साथ, लेकिन अभी जो रिसेंटली में उन्होंने लॉन्च किया नोकिया का 7.1 और नोकिया का 8.1, वो कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि प्राइजिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सैमसंग करने वाला है कमाल 2019 में, आपको डेफिनेटली सैमसंग निराश नहीं करेगा, जहाँ तक मेरा मानना है स्मार्टफोन काफ़ी तगड़े आएंगे और डेफिनेटली आप लोगों को ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।